आज हम कक्षा 10 पहला पाठ कवि कुल गुरु कालिदास पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले थोड़ा सारांश देख लेते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ। अब कवि कुल गुरु ये विशेषण उनके नाम में विशेषण मिला है, उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक मत मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभारत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईसवी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का माना जाता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है और उन्होंने दो महाकाव्य, दो खंडकाव्य और तीन नाटक की रचना की। संस्कृत कवि नाम मुकुट मणि अस्ति ना के
आदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सा एव तमो अस्ति। अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धास्ति। भारत से जन्म लब्ध्वा स्वकर्मणा देववाणी अलंकुरवाणा सा न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वै आत्मनि। अब इसका अर्थ महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम, संस्कृत के कवियों में मुकुट मणि है। न केवल भारत देश, केवल भारत देश के नहीं अपितु बल्कि समग्र विश्व से, संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवि, श्रेष्ठ कवियों में सा एक तमो वह अद्वितीय। तस्य अनवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धास्ति। उनकी निर्मल यश की चांदनी देश देशांतरेषु, देश और विदेश में प्रसिद्धास्ति। फैली भारत देश में जन्म लब्ध, भारत देश में जन्म ले, इसमें एक शब्द लब्ध्वा, इसमें बात लोग करते जा रहे हैं। लब्ध्वात् और अक्वा करते हैं, भारत देश में जन्म ले स्वकर्म कर्मणा, अपने कर्म के द्वारा देववाणी अर्थात संस्कृत को अलंकृत करते हुए सा न केवलम भारतीय कवि, वह केवल भारतीय कवि नहीं बल्कि विश्वकवि के रूप में सर्वै आद्यते, सभी के द्वारा सम्मानित। अगला पैराग्राफ देखेंगे। वाक् देवता आभरण भूतस्य प्रथितस्य कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे, काले कुले चायवत् किंच आसीत् तज्जन्मवृत्तम् इति सर्वं अधुना विवाद कोटिम न अतिक्रामत। वाग्देव
अधुना आज भी विवाद कोटि में ना अतिक्रामत, विवाद की सीमा से बाहर नहीं। इतर कवि कालिदास अन्य कवियों की तरह कालिदास आत्मज्ञापने अपने परिचय के बारे में स्वकृतिश अपनी रचनाओं में प्रायः कृत मौन एव अस्ति, प्रायः मौन ही रहे हैं। अनेक कवय तन्नाम संकीर्तन मात्रा एव, दूसरे भी कवि तत्नाम संकीर्तन उनके नाम का गान करने से मात्र से ही सुयावाचम अपनी वाणी को धन्यामत्वा धन्य मानकर मौनम अवलंबनते मौन धारण कर लेते हैं। तथा फिर भी अंतर बहि साक्षम अनुसृत्य, आंतरिक बहि और बाह्य साक्षम अनुसृत साक्ष्यों के आधार पर समीक्षा आलोचक या समीक्षक कवि परिचय कवि का परिचय यावत सक्यम यथा शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार प्रस्तुवंत प्रस्तुत करते। अब बस आज इतना ही, अगले दिन फिर इसके आगे बढ़ाया जाए।